हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा। सो गाइस, कैसे आप सब? तो आज मैं आई थी नीचे, इरफान बोले थे कि आ थोड़ा सामान लेते हैं, तो मैं और इब्रार चले गए। वहाँ पर इब्रार ने लिया था नूडल्स थोड़ा सा खाने के लिए, जो बचपन में मिलता है, छोटे बच्चे लोग खाते हैं वो, और मैंने ले ली थी रगड़ा। सो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और ये देख सकते हैं आप लोग, रगड़ा मैंने लेकर आई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला रगड़ा। जैसा लगता है गांव में हम खाते ना, गांव की यादें ताज़ा हो जाती है ये रगड़े खा के। तो ठीक है गाइस, रगड़े को एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो आज किचन में बनाने वाले हैं दाल गोश्त, और दाल गोश्त बना रहे इरफान। इरफान ने बोली कि मैं आज बनाता हूँ दाल गोश्त, तो मैंने बोली ठीक है। और इरफान के हाथ का दाल गोश्त तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इरफान धो रहे हैं मटन, और जैसे जैसे जो भी रहेगा प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊँगी। ज़्यादा मैं रेसिपी व्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो आप लोग बस इन्जॉय करें मेरे व्लॉग को। सारा सामान और ये लौकी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लौकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहाँ तक पहुँची तुम्हारी गाड़ी? अरे माँ, चलो आज एक काम तो अच्छा करे कि दाल ज़्यादा करे तुमने। ये है दाल, और यहाँ पर लौकी कट करके रखी है, यहाँ पर मटन भी अच्छे से हो चुका है, यहाँ पर तैयारी हो रही है मसाले की। बरोबर तो ये देख सकते हैं गाइस, अभी इसके अंदर लौकी डाल दिए। थोड़ा सा लौकी को हम लोग हल्का सा पका लेंगे कि हमारा मटन अच्छे से पक चुका है, तो ज़्यादा हमको और गलाना नहीं है कि एकदम हाथ में रबड़ जैसा हो जाए। अभी डाल देते हैं इसके अंदर दाल, और साथ में ये पकता रहेगा। गिरेगा मम्मा, गिरेगा। जो इसके अंदर भी लगा हुआ उसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर रिटर्न इसके अंदर हम लोग डालेंगे और पकाएंगे। अभी भी उसमें लगा हुआ है, हाथ से कर निकालो ना। अब इसको चला लेते हैं गाइस, क्योंकि इरफान वहाँ पे थोड़ा धोरे धारे, जब तक नहीं चला लेती हूँ अपने हाथों से क्या फर्क पड़ता है। पानी डालो और इसमें मैं दाल में डालने जा रहा था। हाँ तो दाल में गल भी गया था दूधिया, फिर अपन निकाल दिए थे। सालन भी डाल, सालन बोले सॉरी, अरे टोप तो भर गया पूरा। ये देख सकते हैं गाइस, टोप छोटा पड़ गया। टोप छोटा होने की वजह से हम लोग को यहाँ पे दूसरे टोप में इसको डालना पड़ा। दोनों टोप में समझ लो दाल गोशी है, और बैकग्राउंड की हालत थोड़ी बहुत ख़राब रहेगी क्योंकि इरफान किचन में काम कर रहे हैं ना, इसकी वजह से। ये गया था अम्मी के यहाँ पे, अम्मी के यहाँ से अभी आया है, खेल रहा था वहाँ पे जाके। गाइस मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बन गया है खाना, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये है दाल गोश, और यहाँ पर है चावल जो कि बन के तैयार हो चुका है। और गाइस मेरे घर पर आए हैं, तो मेहमान आए, अचानक से कॉल किए थे, शायद यहाँ कहीं घूमने के लिए आए थे, तो बोले कि चलो भाभी से मिल लेते हैं। पहली बार आए मेरे घर पे, और मतलब मेरे देवर ही है दोनों, सद्दाम आए हैं, सद्दाम के भाई ये बड़े वो आए, उन लोग दोनों आए हैं। तो इत्तेफाक से मैंने आज दाल गोश्त इरफान ने बनाए थे दाल गोश्त, तो उन लोग भी इंजॉय कर लेंगे हम लोग के साथ में। तो आप लोग ब्लॉग के साथ में बने रहना, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उन लोग थे अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे, लेकिन ये देख सकते हैं पंखा हो गया था ख़राब, तो मैंने बोली उन लोग को रुकने के लिए, मैंने बोली अभी इतने दूर से आए हैं, अभी जाएंगे कब जाएंगे रात में, तो मैंने बोली आज रुक जाओ कल चले जाना। तो इसके लिए मैंने इरफान को बोली कि जाओ देखो अगर पंखा बनता है तो बनवा दो, हॉल में सो जाएंगे, और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। सो अभी उन लोग ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम में। ये देख सकते गाइस, मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह,
खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। तो मैं यहाँ पर इब्रार को देने जा रही हूँ खाना। पता नहीं उन लोग कब आएंगे और बच्चे को नींद आती है, इसकी वजह से मैं इसको दे देती हूँ। खा लेगा अच्छे से, फिर जब उन लोग आएंगे, इरफान और जो आए हैं इरफान आएंगे, तो फिर दे देंगे साथ में, उन लोग भी खा लेंगे। फिलहाल तो दे देती हूँ, इब्रार खा लेगा। एले बुई प्लेट। ये देख सकते हैं इरफान लेकर आ गए हैं पंखा, अब लगाएंगे यहाँ पर हॉल में। और जो दो मेहमान आए थे मेरे घर में, आप लोग देख सकते हैं। अरे तुम दुआ करो, इंशाल्लाह आएगा। क्या खराब हो गया था? ठोक ठोक के खराब हो गया था क्या पूरा? बैंडिंग जल गया। हाँ तो अब ठोको हथौड़ा से। अरे नहीं, खोल नहीं दिया था। यहाँ पर गए सुबह सुबह, मैं उबाल रही हूँ अंडा। अंडा उबालने के बाद में सब खाएंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैंने रात में बर्तन धो के क्लीन कर ली थी, दूध लेके आए इरफान। अब बना लेते हैं चाय। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अंडा रख दी उबलने के लिए और चाय भी उबलने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर चाय में उबाल आने लग गई है। अब इसमें डाल देती हूँ दूध। सारा चीज़ मैंने पहले ही डाल दी थी पानी के साथ में उबलने के लिए। फ़िलहाल अभी डाल रही हूँ दूध। दूध डाल के थोड़ा देर इसको पका लूँगी अच्छे से, उसके बाद में फिर नाश्ता वाश्ता सब अच्छे से नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। फिर अपने अपने घर सबको जाना है। और इब्रार भी आज अपने घर पे जाने वाला है, क्योंकि उसकी पढ़ाई चालू हो गई है और उसने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करा था। उसको मैंने बोली थी कि बुक अगर इधर लेके आता था मैं उसका होमवर्क करवा देती थी, पर खैर कोई बात नहीं, तो अभी वो भी चला जाएगा। इत्तेफाक से उसके चाचू आ गए हैं तो उनके साथ ही भेज देंगे। फ़िलहाल तो इरफान को जाने का था नहीं, वहाँ पर कुछ मतलब काम नहीं था वहाँ पर, इस वजह से वहाँ जा नहीं पा रहे थे। इब्रार को भी नहीं लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ ग्लास के अंदर दूध, जो कि मुझे पीना रहता है विमेन प्लस। चाय बन के तैयार हो चुकी है। हाँ तो गाइस, सुबह सुबह मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता बना के देना था। सब लोग नाश्ता वाश्ता करके फिर निकल गए हैं। अभी इरफान तो थोड़ी देर में जाएंगे, अभी इब्रार भी गया अपने घर पर, मतलब निकल गया अपने घर के लिए। सो अब मैं थोड़ा देर सोऊंगी, उसके बाद में फिर जो भी रहेगा मैं करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम में। बोल गाइस, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बोल, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। बोल, मेरा भाई गया अपने घर पे। बोल गाइस, अच्छे से बोल गाइस। बोल गाइस, बोल गाइस, कैसे हो आप सब? बोल गाइस, कैसे हो आप सब? दादा को बोल, दादा कहाँ हो? दादा